Well, structural or models, identification and estimation using Stata. In the previous two videos हमने बात की कि आपके पास रिड्यूस फॉर्म वॉर मॉडल्स क्या हैं, रिकर्सिव वॉर मॉडल्स क्या हैं, स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल्स क्या हैं, और हमने ये पेपर जो है वेक्टर ऑटो रिग्रेशन बाय स्टॉक एंड वॉटसन पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव उसको डिस्कस किया। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि हम स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है और उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे। तो ये हम डेटा लेंगे जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो कि जो है और उसकी बेस पे हम उसको यूज़ करते हुए हम स्टेटा में उसकी एस्टिमेशन करेंगे। बट इससे पहले कि हम डेटा लेके उसकी एस्टिमेशन करें, हम ये देखने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल्स की आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो फिर हमने उसको एस्टिमेट कैसे करना है। तो वाई स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल्स, तो हमने पहले बात की कि बेसिकली हम चाह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान बिहेवियरल रिलेशनशिप डिग आउट हो, उनके दरमियान एक स्ट्रक्चर कॉजल रिलेशनशिप डिग आउट हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ हम फोरकास्टिंग कर सकें, जो कि सेकंड ऑब्जेक्टिव के बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जा सकता है उस पर बात हो। तो अब स्ट्रक्चरल वॉर पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों ज़रूरी हैं ये हम देखते हैं, और जब रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी तो दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव वॉर मॉडल। दैट इज वन वे ऑफ आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल्स। दूसरा ब्लेंचर्ड एंड पेरोटी का प्रोसीजर है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहा। फाइनली हम क्या करने जा रहे हैं कि हम वॉर मॉडल्स को एस्टिमेट करने जा रहे हैं यूजिंग स्टेटा, और आर पे मैं किसी और जो है या तो अपना पोस्ट दूंगा या उस पर एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो बेसिकली वाई स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल्स, तो वी नो कि आपके पास अगर आप ये अस्यूम कर रहे थे कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी और आपकी पॉलिसी जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग है थ्रू इंटरेस्ट रेट, तो आप अगर इंटरेस्ट रेट आज बढ़ा देंगे और इन्फ्लेशन भी फ्यूचर में थोड़ी ज़्यादा हो गई तो आपको लगेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड प्राइस पजल बाय सेम्स 1992 पेपर, जो पहले भी मैं एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन ये बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट आपने इंक्रीज किया, दैट वॉज एन एंडोजनस रिएक्शन टू योर एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। सिमिलरली आपको कोविड की वजह से या किसी वजह से लग रहा है कि प्राइवेट डिमांड बहुत कम हो गई है, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा दी, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने से फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ गया एंड एट द सेम टाइम आउटपुट भी उतनी नहीं बढ़ी, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने से आउटपुट नहीं बढ़ती। हालांकि पब्लिक स्पेंडिंग आपका एग्जोजनस रिएक्शन नहीं था, आपका एंडोजनस रिएक्शन था। तो स्ट्रक्चरल वॉर में हमें डिग आउट क्या करना है, स्ट्रक्चरल वॉर में हमें जो चीज़ डिग आउट करनी है दैट इज कि आपका वो जो एग्जोजनस रिएक्शन है, जो आपने एक वेरिएबल जो एग्जोजनस है उसमें अगर कोई चेंज लाएंगे तो व्हाट विल हैपन टू योर जो है वो टारगेट वेरिएबल। तो बेसिकली हमें प्योरली एक एग्जोजनस वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल है। तो उसको जो है दिस इज अनकवरिंग द स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। सिम्स ने कहा था आइडेंटिफिकेशन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकली ऑब्जर्व्ड वेरिएशन इन डेटा इन अ वे दैट अलाउज द वेरिएशन टू बी यूज to predict the consequences of an action not yet undertaken। तो आपके पास अगर दो वेरिएबल्स हैं जीडीपी और इंटरेस्ट रेट है, तो ये देखिए एक आपके पास वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे हमने जब रिड्यूस फॉर्म वॉर मॉडल है तो A1 2 0 होता है, तो yt इज अ फंक्शन ऑफ yt-1 rt-1, और A2 1 भी 0 होता है रिड्यूस फॉर्म वॉर मॉडल में, rt इज अ फंक्शन ऑफ yt-1 rt-1। अब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, तो अब आप देखें तो ये आपके पास A12, A21 और 2 ये और 4 2 6 और 2 8 और 2 इनके वेरिएंसेस, क्योंकि आप करंट वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं जिससे ये एरर्स कोरिलेटेड नहीं है, तो बेसिकली 10 पैरामीटर्स आपको एस्टिमेट करने हैं। अब ये थोड़ी सी ज़रा मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मैंने हाथ से लिख के यहाँ पर इमेज इंसर्ट किया है, कैसे करते हैं ये किसी और टाइम पर देखेंगे।
तो ये मेरे पास रिड्यूस फॉर्म वॉर मॉडल क्या है, एक्स टी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली लैग वैल्यूज, तो एक्स टी हमें पता है वेक्टर ऑफ वाई और आर टी है, तो ये रिड्यूस फॉर्म वॉर मॉडल है। तो इसमें देखिए जी वन से लेके ये तीन कोएफिशिएंट्स ये हो गए, तीन ये हो गए, छः और दो वेरियंसेस हो गए, और यहाँ पे एरर्स इन रिड्यूस फॉर्म वॉर मॉडल्स आर कोरिलेटेड, तो एक कोवेरियंस हो गया। तो बेसिकली यू हैव 9 पैरामीटर्स, जबकि स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल में अभी हमने देखा कि हमारे पास 10 पैरामीटर्स हैं, 10 अननोन्स हैं। तो कैसे ये, इसलिए अब हमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है। तो आप देखिए तो स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल में 10 अननोन्स हैं, एक दो ये चार और दो इनके वेरियंसेस। तो बेसिकली जो कि रिड्यूस फॉर्म वॉर मॉडल में आपके पास अभी हमने देखा कि 9 पैरामीटर्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि या तो हमें A12 को जीरो करना है या A21 को जीरो करना है, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट अपर या लोअर आपको जीरो सेट करना है। तो वो कैसे सेट करते हैं, थोड़ी सी इस पे बात मेरी पीछे भी हुई थी कि वो वेरिएबल जो दूसरों से अफेक्ट नहीं हो रहा उसको पहले रख लेते हैं, उसको जो है उसका ये जीरो कर देते हैं, और जो वेरिएबल दूसरों को अफेक्ट कर रहा है उसको जो है वो बाद में रख लेते हैं। तो ये बेसिकली वाई टी जो है दैट इज बेसिकली नो अ फंक्शन ऑफ लैग ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड, तो वाई टी करंट इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट नहीं हो रहा तो इसलिए इसको हम पहले रख लेते हैं, और वाई टी जो है वो लैग आर टी जो है वो करंट वाई टी से अफेक्ट हो रहा है। तो अब आपने यहाँ पे जब जीरो पुट किया तो ये देखिए ये आपके पास एक जो है वन इंटू वाई टी प्लस जीरो इंटू आर टी, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। तो बेसिकली अब आपको अगर आप वो इन्वर्स करके ये आप एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे तो ये आप थोड़ी सी मैट्रिक्स कैलकुलेशन एग्जैक्टली यहाँ से देख के कर लीजिए, तो ये आ गया 1 2 4 6 2 8, ये 10 पैरामीटर्स बन गए अगर बेटा 1 A21 अगर आप कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे देखिए तो ये G10 G20, तो अब आपने इस इन पैरामीटर्स को इससे इक्वेट करना है, इससे इक्वेट करना है। तो बेसिकली आपके पास 9 पैरामीटर्स हैं G1 से लेके सिग्मा स्क्वायर तक, और जो है आपके पास A12 भी अगर शामिल करते तो यहाँ पे 10 हो जाते, तो इसलिए A12 या A21 पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है ताकि ये भी 9 इक्वेशंस हो सके, सो दैट यू कैन रिकवर स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स। तो ये वो इक्वेशंस बनेंगी। अगर आप पिछले वाली स्लाइड पे दोबारा से देखें तो यहाँ पे देखिए ये G10 इज इक्वल टू β10, G20 इज इक्वल टू -A21 β11 प्लस β2, G11 इज इक्वल टू β1, G12 इज इक्वल टू β12। तो ये हमने वो इक्वेशंस इक्वेट कर दी हैं, तो यू कैन वर्क इट आउट, तो आप इसको जो है वर्कआउट कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो है वंस आपके पास एक रिड्यूस फॉर्म वॉर मॉडल है, एक आपके पास स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल है, तो स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उस पर कुछ कंडीशंस लगानी है ताकि उसके जो पैरामीटर्स हैं जो कि अननोन हैं उनको आप रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन से रिकवर कर सकें, तो सो दैट नंबर ऑफ अननोन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो अब ये हम जो है वो रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाते हैं, वॉर मॉडल कैसे एस्टिमेट करते हैं, वॉर ग्रेंजर कैसे करते हैं, इंपल्स रिस्पांस फंक्शन कैसे करते हैं, तो इस पे मैं छोटी सी आपको स्टेटा पे जो है वो डेमोंस्ट्रेशन दे देता हूं। तो हम जो डेटा यूज कर रहे हैं वो है जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव का, तो बी विद मी। सो नो वी हैव दिस स्टेटा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा है क्या। तो अगर आप BR लिख देंगे तो ये डेटा ब्राउज हो गया, तो आपके पास ईयर और क्वार्टरली यहाँ पे इकट्ठा मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पे टाइम सेट वगैरह इसको जो है वो करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, बिकॉज वेरिएबल की जो नेचर है आप देखें तो यहाँ पे वेरिएबल की जो नेचर है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इसको एक और बाकी ये वेरिएबल हैं इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और फेडरल फंड्स रेट, जो कि 3 वेरिएबल्स वहाँ पे गिवन है। तो आप अगर ब्राउज करें तो अब आपको एक कमांड रन करनी है, अब हम एक कमांड रन करते हैं ताकि ये जो है हमारे पास जो वाई क्यू वेरिएबल है वो क्वार्टरली डेटा में सेट हो जाए। तो आप इसको एनकोड कर दें, एनकोड वाई क्यू, और उसको आप लिख दें जेनरेट क्वार्टरली,
तो ये आपका एक क्वार्टरली वेरिएबल आ गया। अब अगर आप दोबारा से बी आर प्रेस करें तो ये आपको जो है वो बाकायदा, अब ये डेटा जो है वो लॉन्ग या अब आपकी इसकी नेचर डिफरेंट हो गई है, तो यू कैन वर्क विद दैट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आपके पास जो है इसको टाइम सेट भी करना है, तो टी एस सेट तो आप क्वार्टरली, तो ये आपके पास टाइम सीरीज डेटा जो है वो 1 से लेके 184 ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब आप इस पे जो है वो वार मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, तो कितने लेग्स यूज़ करें, तो ये वार एसओसी जो है ये आपकी कमांड है टू सेट टू चेक लेग्स। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन है हमारे पास और यूएन रेट एंड एफएफआर और मैक्सिमम लेग्स हम दे देते हैं कि जी आप जो है वो मैक्सिमम लेग्स 8 दे देते हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ए आई सी, एफ पी ई, अनान क्विन क्राइटेरिया, एस बी सी, तो किसी ने 2 लेग्स को प्रेफर किया है, किसी ने 4 लेग्स को किया है और किसी क्राइटेरिया ने 6 लेग्स को किया है। तो हम यहाँ पे इस मॉडल में चूंकि डेटा जो है हमारे पास जो है वो टाइम सीरीज डेटा जो हमें दिया गया है, इसमें हमारे पास जो है वो 4 लेग्स के साथ जर्नल ऑफ इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में है, तो वील पुट 4 लेग्स, तो वील पुट 4 लेग्स। तो अब हम इसको जो है वो दोबारा से वार मॉडल रन कर लेते हैं। वी ए आर जो है कमांड है, इन्फ्लेशन, यू एन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एफ एफ आर, और हम ये कह रहे हैं कि इफ टाइम इंटरवल, चूंकि उसने जो है पेपर में जो लिया है वो 2000 क्वार्टर 4 तक का लिया है, तो हम सिर्फ वो वाला कर लेते हैं। और लेग्स जो है मैक्सिमम हम कह रहे हैं 1 से लेग्स 1 to 4, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल एडजस्टमेंट है ताकि वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे उसने हमें इनवैलिड जो है वो दिया है, तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉय, यू एन आर, इफ टी, लेग्स 1 to 4, हाँ ये बेसिकली ये लेग्स हमें इजाज़त नहीं थी। स्टिल इट्स जो है वो एक छोटी सी करेक्शन है कि जो हमने जो है वो टाइम सीरीज डेटा सेट किया, तो उसमें हमने एक जो है वो छोटी सी उसको टाइम सेट करते हुए हमने उसको एक कमांड जो है वो देनी थी वो, तो ताकि जो है उसमें ईयर्स भी रेट लिस्ट होते, तो वो ईयर्स लिस्ट नहीं हो रहे थे, तो इसलिए जब हमने उसको ये 2004 ये क्वार्टर दिया तो उसने उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब अगर हम इस कमांड को रन करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो ये आपके पास रिड्यूस फॉर्म वार मॉडल जो है वो एस्टीमेट हो गया। तो अब मैं इसको जो है बजाय इसके कि ये पूरे का पूरा लिखता रहूं, तो मैंने यहाँ क्वाइटली लिख दिया, तो क्वाइटली वो ये पूरा, तो वो बेसिकली रिजल्ट्स आपके डिस्प्ले नहीं करेगा, तो ये आपके पास आ गया वार मॉडल। तो अब अगर वार ग्रेंजर कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास ग्रेंजर कॉजैलिटी, तो मैंने पहले बार बार जिक्र कर चुका हूँ स्पेशली वीडियो 2 में कि ग्रेंजर कॉजैलिटी टेस्ट ऑफ प्रिडिक्शन इट्स नॉट कॉजैलिटी टेस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी कौन सी चीज़ किस से जो है वो प्रिडिक्ट कर रही है। सिमिलरली अगर आपको ये देखना हो कि वार स्टेबल है, तो सारे कोएफिशिएंट्स जो है वो दे शुड लाई विद इन यूनिट सर्कल, और या आप जो है वो करेक्टरिस्टिक्स रूट्स लाई आउटसाइड यूनिट सर्कल, अगर आपने उसको इनवर्स रूट्स लाई आउटसाइड। तो वार स्टेबल हमने देखा, तो मोर और लेस ये 0.9612 जो है वो करीब हैं, बट ओवरऑल दे आर लाइंग विद इन यूनिट सर्कल, तो इनवर्स करेक्टरिस्टिक्स रूट शुड लाई आउटसाइड यूनिट सर्कल। सिमिलरली हम जो है वो इसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ये कमांड क्वाइटली रिग्रेस जो है वो ये रिकॉल करके इसको रिग्रेस कर दें, और यहाँ पे हम जो है वो एक कमांड ले लें, तो यहाँ पे मैं एक कमांड जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन, तो वार वन हम क्रिएट कर रहे हैं और इसको हमने क्रिएट कर दिया। अब हमने इसका ग्राफ क्रिएट करना है, तो आप कहेंगे IRF इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन ग्राफ, और ये आपने इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन का ग्राफ क्रिएट होगा। तो ये देखिए आपके पास रिस्पॉन्स इन्फ्ले, ये वहाँ हमने ग्राफ्स जो है वो वीडियो 1 में और वीडियो 2 में डिस्कस किए थे ऑन वॉर मॉडल्स। तो आप इनकी इंटरप्रिटेशन वगैरह क्या है तो वो जर्नल ऑफ इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं ज़रा थोड़ी सी उस काम की तरफ, स्ट्रक्चरल वार मॉडल आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। अब ये जो आप यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स में जाके
तो आप मल्टीपल टाइम सीरीज, आप जो है स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल या कोई भी करें, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल लगाएंगे तो यू नीड टू इम्पोज दोज रिस्ट्रिक्शंस। तो जैसे मैंने इस वीडियो के इनिशियल पार्ट में बताया कि आपको ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए आपको जो कमांड पहले आपको बताना है कि जी आप क्या करने जा रहे हैं। तो हमने कहा जी मेट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो पहले वाली हम कह रहे हैं वन के वाई 0 0, इन्फ्लेशन जो है वो डिपेंड करेगी दूसरे लेग्स पे, इन्फ्लेशन करंट वैल्यू ऑफ अदर लेग्स पे नहीं डिपेंड करेगी। तो डॉट का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो है मौजूद है, 0 का मतलब है कि वो वैल्यू नहीं है, 1 का मतलब है कि वो, तो ये अभी मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ तो यू विल गेट इट। ओके, और ये लास्ट वाले रो में दो डॉट्स आ जाएंगी और एक 1 आ जाएगा। तो अब अगर इसको मैं कहूँ लिस्ट मैट्रिक्स ए, तो बेसिकली मैट्रिक्स लिस्ट ए, तो यहाँ से आपको बात समझ आ गई कि ये आपके पास जो है इन्फ्लेशन, अगर पहली इक्वेशन थी तो इन्फ्लेशन इज फंक्शन ऑफ अदर लैग वैल्यूज नॉट करंट वैल्यू ऑफ द अदर टू वेरिएबल्स। लेकिन जो आपके पास सी, ये जो 1 है, इसका मतलब ये है कि अगर सेकंड इक्वेशन अनएम्प्लॉयमेंट थी तो अनएम्प्लॉयमेंट करंट वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन पे डिपेंड करेगा, और लेकिन जो है वो एफएफआर की करंट वैल्यू पे नहीं डिपेंड करेगा। और लास्ट में देखिए तो ये करंट वैल्यू ऑफ डॉट का मतलब है कि करंट वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन भी है, करंट वैल्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और ये आपके पास एफएफआर है। तो एफएफआर इक्वेशन में दोनों आ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वाली में सिर्फ इन्फ्लेशन आती है और इन्फ्लेशन वाली में, तो अब ये आर्डर आपने पहले से डिफाइन किया। अगर ये आर्डर आपने डिफाइन ना किया हो तो फिर आपको ये मसला होगा। सिमिलरली वी कैन लिस्ट मेट्रिक्स बी फॉर ऑर्थोगोनलाइजेशन, तो मेट्रिक्स बी इक्वल टू तो जब ये आप मैट्रिक्स ए कर लेंगे तो अब आपके पास ये जो है वो स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल जो है वो जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो गई। तो ये देखिए हमने वहाँ पे दो वेरिएबल थे तो हमने एक डायगनल अपर डायगनल 0 किया था, तो यहाँ पे 3 है तो पूरा हाफ डायगनल अपर वाला 0 हो जाएगा, 4 होंगे तो पूरा अपर वाला हाफ डायगनल 0 हो जाएगा या लोअर डायगनल 0 होगा, तो वो आपने चेक कर लेना है। यूजली अपर डायगनल हम इसको 0 करते हैं। तो अब आप इस पर एस वार, जैसे वार मॉडल कंडीशन थी, तो अब आप लिख सकते हैं एस वार इन्फ्लेशन यू एन रेट एफ एफ आर इफ टाइम इंटरवल आपका 2000 Q4 तक है, Q4 और कंडीशन क्या है ए, और ऑर्थोगोनलाइजेशन के लिए आप लिख रहे हैं बी आ, दैट्स इट दैट्स इट। तो ये आपके पास स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल एस्टिमेशन होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जी आपके पास जो है वो वेकम मॉडल क्या होते हैं, वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल्स, को इंटीग्रेशन क्या होती है। तो प्लीज बी विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।